नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। चीन रोज भारत को धमकी दे रहा है और कह रहा है कि चीनी सेना युद्ध के लिए तैयार रहे, अगर युद्ध हुआ तो क्या होगा। आप कल्पना करिए, भारत के ऊपर हमला हो गया, दुश्मन के लड़ाकू फाइटर जहाज और मिसाइलें पूर्वी और पश्चिमी दोनों सीमाओं से हमले के लिए निकल पड़े। राजस्थान की सीमा पर टैंकों का स्क्वाड्रन हमले के लिए बढ़ रहा है। समुद्री सीमा से नौसैनिक जहाजों का जत्था आगे आ रहा है। तभी अचानक एक रोशनी सी चमकती है और दुश्मन के सभी टैंक, लड़ाकू विमान, नौसैनिक जहाज और मिसाइलें एक धमाके के साथ खुद ब खुद आग के गोले में बदल कर खाक हो जाते हैं। ये कोई कल्पना नहीं बल्कि वास्तविकता है और ये कमाल हो सकता है, क्योंकि भारत का सीक्रेट हथियार काली अर्थात किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर। तो आज हम काली की ताकत की बात करेंगे। क्या है काली की ताकत? काली भारत का एक महाशक्तिशाली रक्षक हथियार है जो कि दुश्मन के किसी भी हमले को नाकाम कर सकता है। इसके सामने विशाल काय टैंक, अत्याधुनिक लड़ाकू विमान, उन्नत किस्म की मिसाइलें भी फेल हो सकती है। ऐसा कोई भी आधुनिक हथियार जिसमें इलेक्ट्रॉनिक चिप, सर्किट या फिर किसी और तरीके की वायरलेस तकनीक लगी हो, उसे भारत का सुपर हथियार काली पल भर में नष्ट कर सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे दुश्मन के मंसूबे को नाकाम कर सकता है भारत का काली। अब हम बताते हैं कि भारत का सीक्रेट हथियार काली काम कैसे करता है। कैसे काम करता है काली? भारत का शक्तिशाली हथियार काली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का तूफान पैदा करने वाला यंत्र, जो सेकंड्स के अंदर भारी मात्रा में तरंगों की बौछार करता है, जिससे ये अपने संपर्क में आने वाले किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को ठप कर देते हैं। लड़ाकू विमानों, टैंकों, मिसाइलों, ड्रोन और सैटेलाइट्स में कई तरह के सर्किट और इलेक्ट्रॉनिक चिप होते हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के प्रहार के कारण काम करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से ये अत्याधुनिक मशीनें पल भर में कबाड़ का ढेर बनकर रह जाती हैं, जिसके बाद इनके अंदर मौजूद हथियारों में विस्फोट हो जाता है। तो आप समझ चुके होंगे कि कैसे काम करता है काली। अब हम बताते हैं कि आखिर भारतीय वैज्ञानिकों ने कैसे काली को तैयार किया। कैसे तैयार किया गया काली? काली के जनक भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर आर चिदम्बरम थे, जिन्होंने इसे तैयार करने की योजना साल 1985 में बनाई थी, लेकिन लंबी चौड़ी तैयारी करने के बाद साल 1989 में जाकर इस पर काम करना शुरू हो पाया। इस पर पिछले 3 दशकों से लगातार काम चल रहा है। इस बीच इसके कई संस्करण तैयार किए जा चुके हैं। सबसे पहले काली 80 विकसित किया गया, इसके बाद काली 200, फिर काली 5000 और अब काली 10000 विकसित किया जा चुका है। काली के निर्माण की प्रक्रिया में बाघ और DRDO दोनों जुड़े हुए हैं। काली के शुरुआती संस्करण में प्रति नैनो सेकेंड 1 GB इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का प्रहार होता था, लेकिन आखिरी सूचना मिलने तक काली के नवीनतम प्रारूप से 100 मिलीसेकंड में 40 GW तक ऊर्जा तरंगे निकलती, जो कि दुश्मन के बड़े से बड़े और अत्याधुनिक हथियारों को पल भर में तबाह कर सकती है। यहाँ पर एक बात बताते चलें कि काली और उसकी मारक क्षमता के बारे में भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से कोई बयान जारी नहीं किया। अभी सिर्फ इसके बारे में बुनियादी जानकारियां ही बाहर आई। भारत की रक्षा क्षमता के लिए ये प्रोजेक्ट इतना अहम है कि सरकार ने इसके बारे में संसद में जानकारी देने से इनकार कर दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी क्षमताओं को देखते हुए बाद में इसे हथियार के रूप में बनाने का फैसला किया गया। ये इतना घातक है कि जल, थल और आकाश से आने वाले किसी भी दुश्मन को पल भर में तबाह कर सकता है। यही कारण है कि चीन और पाकिस्तान जैसे भारत के दुश्मन देश काली का नाम सुनते ही डर से थर थर कांपने लगते हैं।